हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसिस टू के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं यूनिट वन में हम बात करते हैं तो आपके बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। हम यहां पे बात करेंगे कि जैसे जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं साथ में प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। तो सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का आप समझ लीजिए। और हम आपको जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जैसा कि आपको पता है एक पाथवे है सिकमिक एसिड पाथवे। हम आपको सिकमिक एसिड पाथवे का शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कैसे आपको लर्न करना है। साथ में हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे एसीटेट मीवेलोनेट पाथवे का, एसीटेट मीवेलोनेट पाथवे और साइमल्टेनियसली एसीटेट मैलोनेट पाथवे का, कि आप इजिली कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम इन पाथवे को कैसे लर्न करें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि किसमें क्या आता है। तो आगे बढ़ने के पहले हम सबसे पहले बात करेंगे मेटाबोलाइट्स की। तो जैसा आपको पता है कि प्लांट्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो जैसे खुद की एनर्जी के लिए, यानी उनको लिविंग के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उसको फुलफिल करते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म से जो आपके एनर्जी प्रोवाइड करने वाले, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसमें हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो ऐसे में प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। सारे प्लांट्स तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं बनाते हैं, बट जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं ऐसे प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मैंने बोला ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट को उनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिंथेसाइज होते हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये इनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन देता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो कुछ सर्टेन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनने के लिए या सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। पहली बात, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल क्या हैं? इसमें आपका एल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स हैं, और आपके टैनिंस हैं, रेजिन्स हैं, ये सब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। जैसा कि फिफ्थ सेमेस्टर में आप देखेंगे यूनिट टू आपका उसी से भरा पड़ा है, तो आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्पेसिफिकली पढ़ना है। अब देखिए, हम आपको सिकमिक एसिड पाथवे जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के पाथवेज हैं बेसिक मेटाबॉलिक में, सिकमिक एसिड पाथवे एसीटेट मीवेलोनेट और एसीटेट मैलोनेट पाथवे है। तो हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे कि आप कैसे लर्न करेंगे, ये हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज के पार्ट में देखिए, यहाँ पे सिकमिक एसिड को लर्न करने के लिए आप इसमें E4P+PEP इसमें स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ये याद रखेंगे, ठीक है। और एसीटेट मीवेलोनेट में देखिए एसीटेट यहाँ भी आया है, एसीटेट यहाँ भी आया है, तो एसीटेट मीवेलोनेट पाथवे इसमें आपके एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए, यानी आपके दो एसिटिल कोएंजाइम ए। और एसीटेट मैलोनेट में आपका एसिटिल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे इन्वॉल्व होगा एक आपका मैलोनिल कोएंजाइम ए, और एसीपी इन्वॉल्व होगा यानी एसआई कैरियर प्रोटीन, और एक आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है P16। ये तीन अगर आपको बातें याद हैं तो आप एसीटेट मैलोनेट पाथवे लिख ले जाएंगे। एसीटेट मीवेलोनेट में बात करें तो दो एसिटाइल कोएंजाइम है, और इसके बाद आपको याद रखना है HMG CoA, साथ में आपको याद रखना है मीवेलोनेट, इसके बाद याद रखना है IPP DMF। अगर आपको ये इतना याद आ रहा है, इसमें कार्बन 5 है, तो आप आगे का प्रोसीड कर लेंगे, अभी फिलहाल इतना बताएंगे। और इसमें क्या मैंने बोला, E4P PEP याद रखना है, इससे बनेगा DAHP, इसके बाद देखिए इससे बनेगा 3D hydroquinic acid, और फिर बनेगा 3D hydro sicmic acid, और फिर बनेगा सिकमिक एसिड, और सिकमिक एसिड से फिर आपके आगे बनते हैं कोरिज्मिक एसिड, और कोरिज्मिक एसिड से फिर एंथ्रेनिलिक एसिड, पावा, और साथ में आपका प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड जो होता है
इससे हम बात करें, इससे फिर दो चीज़ें बनती हैं, जैसे कि आप बात करें फेनिलएलनिन और टायरोसिन अमीनो एसिड यहाँ बनता है, और जो एंथ्रेनिलिक एसिड होता है उससे आपका क्या बनता है ट्रिप्टोफान यानी इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं, वहाँ से सिंथेसाइज होते हैं। और यहाँ एसीटेट मिवेलोनेट में बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम, फिर एचएमजी कोए, फिर मिवेलोनेट, फिर आपका बनेगा आईपीपी यानी आइसोपेंटिडिल पाइरोफास्फेट, और डीएमएफ डाई मिथाइल एलिन पाइरोफास्फेट, इसमें कार्बन होते हैं 5। और ये जो आईपीपी होता है अगर इसमें एक आईपीपी और जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा जीपीपी यानी जिरेनिल पाइरोफास्फेट, इसमें होते हैं कार्बन 10। अगर इसमें एक आईपीपी और ऐड हो गया तो ये बन जाता है एफपीपी यानी फर्नेसिल पाइरोफास्फेट यानी C15 होगा। अब यहीं देखिए एफपीपी में अगर एक आईपीपी ऐड होगा तो ये हो जाएगा जीजीपीपी, इसमें कार्बन 20 हो जाएगा, और अगर एक एफपीपी यहाँ पे ऐड होगा तो ये बन जाएगा स्क्वेलिन, इसमें कार्बन 30 होंगे। देखिए कार्बन 10 को हम बोलते हैं मोनोटर्पीन, कार्बन 15 को सेस्क्विटर्पीन, 20 को डाइटर्पीन और 30 को ट्राइटर्पीन बोलते हैं। बाकी स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन के, कोएंजाइम क्यू, ये सब एसीटेट मिवेलोनेट पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। और एसीटेट मेलोनेट पाथवे में जो शॉर्ट ट्रिक है, आप देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए है और मेलोनिन कोएंजाइम ए है, ये दोनों एसीपी यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन के प्रेजेंस में इससे बनेगा एसिटाइल एसीपी और इससे बनेगा मेलोनिन एसीपी, फिर दोनों मिलेंगे तो बनेगा एसिटो एसिटाइल एसीपी, और इसके बाद आप 3 एरो ऐसे लगा करके इस तरीके से ये प्रोसेस और आगे कंटिन्यू हो रहा है। P16 आपको याद रखना है, PSOLLA, पी से बनेगा पामिटोइल एसीपी और इससे बनेगा पामिटिक एसिड, एस स्टीयरिल एसीपी से स्टीयरिक एसिड, ओ ओलिल एसीपी से ओलिक एसिड, एल लिनोलिल एसीपी से लिनोलिक एसिड, लिनोलिनोइल एसीपी से लिनोलिनिक एसिड, और एल आपका हो गया ए से एरिसिडोनिल एसीपी से एरिसिडोनिक एसिड, यानी फैटी एसिड्स बनते हैं, और यही सीक्वेंस होता है P16। तो ये हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक सिकेमिक एसिड पाथवे का, एसीटेट मिवेलोनेट पाथवे का और एसीटेट मेलोनेट पाथवे का बताया है। और आई होप कि नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी कलीग्स हैं जिन लोगों को पाथवे में या फार्माकोग्नोसिस 2 में प्रॉब्लम होती है उन सभी लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, ये आप सभी के हेल्प के लिए है। बाकी जीपैट का सेक्शन है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हमारे हैं या फाइनल ईयर हैं जो जीपैट के लिए इंटरेस्टेड हैं, जीपैट करने से क्या बेनिफिट्स हैं, उन्हें क्या लाभ हो सकता है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।